नहीं दी 54% 60% के आसपास है। दलित भाइयों की आबादी आपकी है 20-25%, अल्पसंख्यक भाइयों की आबादी है। मैं आदरणीय मंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूँ, जहाँ देश के 85% आबादी का ये आज स्तर है, वहाँ चाहे उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो, इनके अंदर माननीय न्यायाधीशों की संख्या क्या है? अगर आप ये कहना चाहेंगे, और बहुत सारे वक्ताओं ने, मीडिया ने भी इस बात के लिए कई बार चर्चा की कि योग्य लोग नहीं निकल पाए, अगर इतने बड़े वर्ग के अंदर समाज के 85% लोगों में अगर आज तक योग्यता नहीं आ पाई, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अंदर 70 साल तक जिन लोगों ने भी राज किया है उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी थी, और उनकी कहीं ना कहीं से कमजोरी इस बात की थी कि आज पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को आप न्यायाधीश नहीं बना पा रहे हो। या तो माननीय मंत्री जी, मुझे कहने में संकोच नहीं, या तो नियत बस इन लोगों को न्यायपालिका की न्याय व्यवस्था से दूर रखा जा रहा है, और अगर न्यायपालिका की व्यवस्था से दूर रखने की बात नहीं है तो आखिर आज तक आपने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया है? इसलिए माननीय मंत्री जी, मैं आपसे फिर कहूंगा, उच्च न्यायिक आयोग बनाकर जिस तरह से सिविल सर्विसेज में, जिस तरह से आपके पार्लियामेंट में, तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं में जिस तरह से रिजर्वेशन है, उसी तरह का रिजर्वेशन देश के पिछड़ों के लिए, देश के दलितों के लिए, देश के अल्पसंख्यकों के लिए लाने की जिम्मेदारी सरकार में बैठे लोगों आपकी है। मैं उम्मीद करता हूं, और मुझे कहने में अफसोस हो रहा है माननीय उपाध्यक्ष जी, जब ट्रिपल तलाक का बिल पास करना था तो इसी सदन के अंदर कोरम पूरा हो गया 1 मिनट में, और जब पिछड़े वर्ग के उच्च पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का जो लिस्टेड था बिल, आज कोरम के अभाव में उस बिल को पेश नहीं किया गया। कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी पिछड़े जरूर हैं, लेकिन मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी के आसपास रहने वाले लोग कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग के विरोधी हैं, इसीलिए आज पिछड़ा वर्ग आयोग का बिल इस सदन में जो लिस्टेड था वो पेश नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं कोरम का कारण दिखा के। इसलिए मैं इस मौके पर कहना चाहता हूँ, माननीय वित्त मंत्री जी आपसे कहना चाहता हूँ, देश का पिछड़ा वर्ग, देश का दलित, देश का अल्पसंख्यक इस बात का इंतजार कर रहा है, कब उसको उपाध्यक्ष जी, देश का पिछड़ा अल्पसंख्यक दलित आज इंतजार कर रहा है इस बात का कि देश की व्यवस्था का जो महत्वपूर्ण स्तंभ है न्यायपालिका, उस न्यायपालिका में उसको आबादी के अनुसार, उसको त्याग और बलिदान और राष्ट्र निर्माण जो योगदान है, उस योगदान के अनुपात में कब उसको भागीदारी मिलेगी, इस बात का इंतजार कर रहा है देश का पिछड़ा और दलित वर्ग। मुझे उम्मीद है माननीय मंत्री जी इस पर आप गंभीरता से विचार करेंगे। इसी उम्मीद के साथ ये जो संशोधन अधिनियम लाए हैं उसका मैं अपनी पार्टी की ओर से, आदरणीय नेताजी की ओर से पुरजोर समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।